दो को कांग्रेस का डेलीगेशन, हम लोग 9 बजे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से निकलेंगे और निश्चित तौर से हम वहाँ पर जो अत्याचार अन्याय सरकार के द्वारा पुलिस के द्वारा जानबूझकर ये कराया गया है इसकी सारी जानकारी इसे अवगत होके। 24 नवंबर को संभल में जामा मस्जिद के बाहर भड़की हिंसा पर अब सियासत अपने चरम पर है, जहां एक तरफ 30 नवंबर को समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल संभल जाने की कोशिशों में लगा रहा, वहीं दूसरी ओर अब यूपी कांग्रेस ने भी ऐलान कर दिया है कि वो भी अपना डेलीगेशन लेकर 2 दिसंबर को संभल की ओर कूच करेंगे। देखिए, अत्याचार अन्याय जहां हो रहा है सबको डट के खड़ा रहना चाहिए। हम सब लोगों ने भी पहले से कार्यक्रम घोषित किया था, हम 2 तारीख को वहां जा रहे हैं और पूरा, क्योंकि 1 तारीख तक इन्होंने रोक लगा रखी थी पहले, अब आगे की जानकारी मुझे नहीं है, इसलिए हमने 2 तारीख का ये किया कि उनकी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने 1 तारीख तक रोका है, 2 को कांग्रेस का डेलीगेशन, हम लोग 9 बजे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से निकलेंगे और निश्चित तौर से हम वहाँ पर जो अत्याचार अन्याय सरकार के द्वारा पुलिस के द्वारा जानबूझकर ये कराया गया है इसकी सारी जानकारी इससे अवगत होके अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को, अपने नेता खड़गे जी को, राहुल जी को, प्रियंका जी को अवगत कराएंगे। तो यूपी कांग्रेस ने भी कमर कस ली कि संभल जाकर वहाँ हालातों का जायजा लेंगे। आपको बता दें कि 30 नवंबर को सुबह से लेकर दोपहर तक समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल संभल जाने की कोशिशों में लगा रहा, मगर पुलिस प्रशासन ने सपा प्रतिनिधिमंडल में शामिल किसी भी नेता को संभल जाने नहीं दिया। आपको बता दें कि संभल जिलाधिकारी ने 10 दिसंबर तक बाहरी व्यक्ति और किसी भी जनप्रतिनिधि के संभल प्रवेश पर रोक लगा दी है। इसी के साथ एक साथ 5 लोगों के जमा होने पर भी संभल में रोक लगा दी गई है। दरअसल प्रशासन संभल हिंसा को देखते हुए अलर्ट मोड पर बना हुआ है। अभी धारा 163 लगी हुई है और हमारा सभी से अनुरोध है कि 10 दिसंबर तक अभी नहीं आए, क्योंकि माहौल शांतिपूर्ण है, सब दुकानें खुल चुकी हैं और इसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, लेकिन थोड़ी सतर्कता और संवेदनशीलता के तहत हमने सभी को मना किया है। लेकिन सर, जिस तरह से आने की कोशिश कर रहे हैं लगातार लोकल एमपी को भी नहीं आने दिया जा रहा है, सभी उत्तरदायी लोग हैं, दायित्ववान लोग हैं, तो मेरा सभी से अनुरोध है कि वो जब भी आए तो आगामी, अभी 10 दिसंबर तक रोक है, उसके बाद ही आए। आपको बता दें कि 24 नवंबर के दिन जामा मस्जिद में सर्वे को लेकर संभल में हिंसा भड़क गई थी। इसी दौरान यहाँ खूब पथराव और आगजनी की गई। कई घंटों तक संभल में हालात बेकाबू रहे। हिंसा को काबू करने की कोशिश करते समय संभल डिप्टी SP तक के पैर में गोली लग गई थी। इस हिंसा में 4 लोग मारे गए थे। बहरहाल देखना अब ये होगा कि सभा के बाद कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल 2 दिसंबर को संभल जाने में कामयाब हो पाता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, UP तक।